नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेकी दोस्त। दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूं, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले अपडेट से। दोस्तों हमारा पहला अपडेट यहां पर टोटल मार्केट कैप को लेकर, यहां पर जो टोटल मार्केट कैप है चल रही है 400 बिलियन डॉलर का एक एवरेज लेके। फिलहाल यहाँ पर आज थोड़ा सा गई थी यहाँ पर 384 बिलियन डॉलर तक, लेकिन फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ के आ गई है 414 बिलियन डॉलर तक। दोस्तों वही हाल रहा है पर क्रिप्टो करेंसीज के भी। कल के हिसाब से अगर इस टाइम के हिसाब से देखा जाए, अभी यहाँ पर 10:30 बजे हुए हैं रात के, तो इस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। थोड़ी थोड़ी यहाँ पर डाउन हो रखी है कुछ 1-2-3% की, लेकिन यहाँ पर जो भी एक एवरेज चल रहा था उसी एवरेज को यहाँ पर बनाकर चल रही है यहाँ पर जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज हैं। बात करें यहाँ पर बिटकॉइन की, तो यहाँ पर बिटकॉइन चल रहा है 8,400 डॉलर के आसपास। एक इथेरियम चल रहा है यहाँ पर 845 डॉलर के आसपास। वहीं पर अगर रिपल की बात करें तो यहाँ पर एक रिपल की कीमत फिलहाल हो रखी है 1.03 डॉलर। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है पेंटेरा कैपिटल के सीईओ और फाउंडर मिस्टर डैन मोरहेड को लेकर। दोस्तों यहाँ पर ये काफ़ी पॉजिटिव हो रखे हैं बिटकॉइन को लेकर। दोस्तों यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर जो एक एवरेज टाइम होता है बिटकॉइन के डाउन होने का, वो होता है यहाँ पर 71 डेज़ का। अराउंड यहाँ पर 52 डेज़ निकल चुके हैं मिस्टर मोरहेड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर कुछ ही वीक्स में यहाँ पर जो प्राइस है बिटकॉइन का वो बढ़ने वाला है, जैसा कि यहाँ पर मानना है मिस्टर मोरहेड का। दोस्तों अगर हम पेंडेरा कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर ये लॉन्च हुई थी 2003 में, और फिलहाल अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसने इन्वेस्ट कर रखा है कुछ पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस में, जैसे कि बिट स्टैम्प, कॉर्बिट, जैपो और बिट पैसा। खैर दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस ट्रेंड में कैसा भी चल रहा हो, लेकिन लोग काफ़ी पॉजिटिव हो रखे हैं यहाँ पर बिटकॉइन को लेकर। यहाँ पर रेगुलेशन की बढ़ती हुई एक्टिविटीज़ को भी देखकर थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिविटी आती है यहाँ बिटकॉइन को लेकर। दोस्तों हमारा अगला अपडेट एक ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, जहाँ पर बेट रखी गई 1 मिलियन डॉलर की, और यहाँ पर कंडीशन ये रखी गई कि जब यहाँ पर दिसंबर 2018 तक एक बिटकॉइन पहुँच जाएगा 50,000 डॉलर की कीमत में, तभी बंदा यहाँ पर खरीद लेगा 275 बिटकॉइन, जिसकी यहाँ पर टोटल कीमत बनेगी उस टाइम पर जाकर 14 मिलियन डॉलर के आसपास। खैर दोस्तों उस टाइम तक ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं था कि यहाँ पर किस बंदे ने इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को किया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक लीक में एक बात सामने आई है कि यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को करने वाली थी एक फर्म जिसका नाम है ब्लॉक टावर कैपिटल। दोस्तों अगर इस यहाँ पर फर्म की बात करें तो यहाँ पर ये एक हेज फंड है, यहाँ पर इसने अराउंड 175 स्टार्टअप शुरू किए हैं अभी तक। खैर दोस्तों अभी जो बातें हैं दोबारा से निकल कर सामने आई हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो प्राइस है काफ़ी नीचे फिलहाल यहाँ पर जा चुका है। अभी यहाँ पर इसको एक प्रेजेंटेशन में यहाँ पर ये बात सामने आई थी जो कि यहाँ पर हुई थी याहू फाइनेंस में, और यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन में बताया गया था कि किस तरह से यहाँ पर जो डील है यहाँ पर फाइनल की गई थी। खैर दोस्तों यहाँ पर जो प्राइस है एक बिटकॉइन का काफ़ी नीचे आ चुका है, फिलहाल यहाँ पर चल रहा है 8,400 डॉलर के आसपास, और दोस्तों यहाँ पर जो बात चल रही है 50,000 डॉलर के आसपास की। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर होता क्या है। खैर दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर हम 50,000 डॉलर के अमाउंट की यहाँ पर बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर प्रेडिक्टर हैं जिन्होंने यहाँ पर इस बारे में बोला कि भाई आने वाले टाइम पर जो प्राइस है जा सकता है 50,000 डॉलर तक 2018 के अंत तक में ही। कुछ एक्सपर्ट्स की यहाँ पर जो राय है इस बारे में यहाँ पर ये भी निकल कर आई थी। लेकिन दोस्तों आप क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है जेपी मॉर्गन को लेकर, लेकिन दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मिस्टर उमर फारूक की, जो कि हैं एक बैंकर जो कि फिलहाल यहाँ पर स्विच हो चुके हैं और बन चुके हैं यहाँ पर ब्लॉकचेन लीडर जेपी मॉर्गन पर। दोस्तों यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि अभी जेपी मॉर्गन इतना फेवर में नहीं रहा बिटकॉइन के, लेकिन यहाँ पर मिस्टर उमर फारूक की जो राय है वो ये कहना है इनका कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन को इतना बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनका मानना है कि यहाँ पर एक अपग्रेडेशन की ज़रूरत है क्रिप्टो करेंसीज में। यहाँ पर जिन्होंने इशू बताया वो जुड़ा हुआ यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से, वो है यहाँ पर KYC और AML को लेकर। खैर दोस्तों यहाँ पर सबकी अपनी अलग अलग राय रहती है। अभी यहाँ पर मैंने कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दी थी आपको यहाँ पर इससे जुड़ी हुई, अभी यहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज़ भी आ गई यहाँ पर इस चीज़ को लेकर। खैर दोस्तों अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बुराई नहीं की इस बारे में, लेकिन सिंपली इन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई यहाँ पर एक अपग्रेडेशन की ज़रूरत है बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी में। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है फ्रेंच और जर्मन फाइनेंस ऑफिसर्स को लेकर। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक लेटर भेजा था G20 में कि यहाँ पर इस मैटर को भी डिस्कस किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क जुड़े हुए हैं क्रिप्टो करेंसीज से, साथ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलिटी वगैरह भी देखने को मिलती है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज पर, तो थोड़ा सा एक जो रिस्क वाली बात आती है वो निकल कर आती है इन्वेस्टर्स के लिए। और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर एक एक्शन लेने वाली बात की जा रही है, इसको यहाँ पर रोकने वाली बात की जा रही है क्रिप्टो करेंसीज को। खैर दोस्तों यहाँ पर जो बात होगी यहाँ पर G20 में यहाँ पर रखी जाएगी, और यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर होता क्या है। G20 की बात करें तो इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर दुनिया भर में इसके काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर और भी सारे हैं, और यहाँ पर इंडिया भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर G20 के साथ।
खैर दोस्तों, अब इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर G20 में डिस्कस होने वाला है कि भाई क्रिप्टो करेंसी का कैसा क्या करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया भर के लिए यहाँ पर एक मुद्दा बना हुआ है कि भाई कैसे क्या होना चाहिए, क्रिप्टो करेंसीज पर रेगुलेशन हो तो किस तरह का हो, अगर इसको रोका जाए तो किस तरह से रोका जाए। खैर दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या बातें निकल कर आती हैं G20 में। दोस्तों हमारा अगला अपडेट है क्वाइन प्रिज्म को लेकर। दोस्तों यहाँ पर फिलहाल ही अपनी सर्विस करने जा रहा है बंद 31 मार्च तक के लिए। यहाँ पर जो भी विड्रॉल्स हैं यहाँ पर इसने अभी इनेबल कर रखे हैं, और यहाँ पर इसने अपनी साइट में मेंशन कर रखा है, आप साइनअप वगैरह पे जाएंगे तो वहाँ पर ये साफ साफ मेंशन कर देता है कि भाई जो साइट है वो यहाँ पर बंद होने वाली है 31 मार्च के पहले पहले आप जो भी अपने विड्रॉल्स यहाँ पर करा लें। खैर दोस्तों, इस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर होती रहती हैं, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पहले से वार्निंग दे दी जाती है इन सब चीज़ों को लेकर। खैर दोस्तों, ये थे मेरे आज के सारे अपडेट्स, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको कर लीजिए लाइक, साथ ही इसको कर दीजिए शेयर भी, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी, क्योंकि दोस्तों इससे जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नए अपडेट्स के साथ।